يلا فين؟ ايوه ما شاء الله اهلو هنا شوف इधर माशाल्लाह बहुत प्यार इधर भी जगह बनी हुई है मॉल में तो हम यहाँ दोबारा आपको बता दें जद्दा दौली में सूख जद्दा दौली और यहाँ पे ये देखिए ये पूरा मॉल है बहुत खूबसूरत मॉल है इधर हम जो लोग शॉपिंग के लिए आए उनकी एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी कुछ इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह अच्छा मता हेलो हिना गुड इंता फरहान एक लोग यहाँ पे हम बैठ सकते हैं ये हमारे बैठने के लिए मैं आपको मॉल बाहर दिखा लूँ बाहर से और ये अंदर का सीन है ये माता से हमारा बेबी बैठा है प्यारा सा और माशाल्लाह यहाँ पे लोग आउटिंग वाले दिन आते हैं तो शॉपिंग करते हैं और ग्रोसरी भी करते हैं ग्रोसरी का भी मॉल पीछे पांडा था जो कि मैंने नहीं आपको दिखाया इधर भी ये शाजा ये नीचे पता नहीं क्या है इसमें ये शाजा सोया क्या है पत्नी समक मुमकिन समक आई वह समक ब्लैक मछलियाँ हैं याला और कछुए इधर भी हैं ये देखिए कछुआ बैठा है साथ में अवशार बहुत ही प्यारा जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ आते हैं शॉपिंग करते हैं और ग्रोसरी भी करते हैं पांडा मॉल भी इसके अंदर है और इंजॉय करते हैं बहुत प्यारा अवशार अवशार वगैरह भी लगे हुए हैं और बहुत ठंडा ठंडा सा एहसास आ रहा है बहुत मज़े की जगह बनी हुई है बहुत प्यारी और ये हमारा बेबी माता है तो ये देखिए ये मैं हूँ और ये मेरा बेबी माता है साथ में खेल रहा है साथ में इधर शीशा लगा हुआ है तो बहुत ही प्यारी ये जगह बनी है और बहुत ही ठंडक सी है ये पुराने वक्तों का भी माहौल है लैंप वगैरह और झोपड़ियाँ ये देखें झोपड़ियाँ ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं लैंप है और नीचे अंदर लैंप लगे हुए हैं और पुराने वक्तों का माहौल है झोपड़ियाँ हैं तो माशाल्लाह से मैं यहाँ बैठ जाती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं हेलो ओके मम्मू अच्छा ये देखो वो कह रहे हैं एक से नहीं बैठना यहाँ मम्मू है उसको बैठना है इस पर चला ही था ही दिल सभी भी तो मुझे बता रहा मकास किस